हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों को लिए टॉपिक लाए हैं, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल। यानी कि क्या लाए हम? बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बेसिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग अपने आ गए, तो आज हम ये देखेंगे कि किसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम अपना एक एक्सेल भी खोल लेते हैं। तो एक्सेल खोलने के लिए मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब एक्सेल खोल लिया, अब ये एक्सेल ओपन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो एक्सेल में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले कि यहाँ पे जो सबसे पहला आता है, इट मीन्स कि ये पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? टाइटल बार। सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग पूरे एरिया को क्या कहते हैं? टाइटल बार। यानी ये भी जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के बाद अगला आता है, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सारे, ये तीनों चीजें क्या है हमारी? क्विक एक्सेस टूल बार है, ये रहा ना दोस्तों, ये देखिए। और हमारा ये रहा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक। अगला आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार हम किसे कहते हैं दोस्तों? इसको हम क्या कहते हैं अपना? फॉर्मूला बार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं अपना? फॉर्मूला बार, ये रहा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बार हो गया। अगला जो आता है क्लोज बटन। क्लोज बटन क्या है हमारी? ये वाली क्या हमारी? क्लोज बटन है दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज बटन। अगला जो आता है फाइल टैब। फाइल टैब का कहाँ ऑप्शन है? ये रहा, इसे हम क्या कहते हैं? फाइल टैब, ये देखिए। अगला जो आता है नेम बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। अगला जो है दोस्तों एक्टिव सेल, इट मीन्स कि जहां पे भी मैं अपना रो या सेल को सेलेक्ट करके और ये ग्रीन ग्रीन टाइप आता है, इट मीन्स चारों टाइप से कवर्ड आता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। इट मीन्स कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी मेरा एक्टिव सेल कौन सा है? ये वाला। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा एक्टिव सेल कौन सा है अभी? ये वाला। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक्टिव सेल कौन सा अभी मेरा? ये वाला, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों और आगे देखिए, यानी कि ये पूरी की पूरी जो ऊपर वाली रोज है, सॉरी ये पूरी पूरी जो भी लिखा हुआ, ये सबके सबको हम क्या कहते हैं? इन सबके सबको हम कहते हैं कॉलम। इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को पूरे को हम क्या कहते हैं? कॉलम। और इस वाले, ठीक है, ये कॉलम था। और ये वाले पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रो। इट मीन्स कि ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारी रो हो गई, ठीक है। अब आगे स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में हमारा क्या था? ये जो है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा क्या है? स्क्रॉल बार, ठीक। इधर से कौन सा हमारा स्क्रॉल बार? ये रहा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक। अगला आता है स्क्रॉल बार के बाद, स्क्रॉल बार के बाद आता है हमारा विंडोज वर्कशीट टैब। ये हमारी क्या है? वर्कशीट टैब है। ये करंट वर्कशीट टैब है। ये और भी वर्कशीट, जैसे जैसे आप इसे प्लस करते जाएंगे तो ये क्या हमारी वर्कशीट टैब क्या होगी? जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। वर्कशीट टैब क्या होगी हमारी? जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। ये हमारी क्या है? वर्कशीट। जिस पे ये हाईलाइटेड रहेगा, इट मीन्स कि कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। सीट, अगर मैं सीट फोर पे करता हूँ या सीट टू पे करता हूँ, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? करंट वर्कशीट कहलाएगी। करंट क्या कहलाएगी? वर्कशीट कहलाएगी। फिर अगला आता है, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? व्यूज। एक, दो, तीन। इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? व्यूज कहते हैं। ये तीन चीजें हैं दोस्तों, एक, दो, तीन, ठीक है। एक, दो, तीन, इन तीनों एरिया को हम क्या कहते हैं? व्यूज कहते हैं, ये रहा, ठीक है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं पेज लेआउट, और इसको कहते हैं हम पेज प्रीव्यू। एक बार देखते हैं, नॉर्मल में कैसा रहेगा? जैसा है वैसा। और इसमें पेज लेआउट में कैसा रहेगा? इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। पेज लेआउट कुछ कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और दोस्तों ये हमारा क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये हमारा क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू है, जो हमारा क्या करेगा? कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अगला आता है ये दोस्तों हमारा किस लिए होता है? जूम इन और जूम आउट करने के लिए। जब हम इसे लेफ्ट राइट टू लेफ्ट किस मतलब मूव करेंगे तो ये क्या होगा? जूम होगा, सॉरी जूम नहीं होगा, इट मीन्स कि डिक्रीज होगा। और जब इसे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इसे बड़ा कर रहा हूं तो ये क्या होगा? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। और जैसे मैं इसे राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ थे हमारे एक्सेल के बेसिक टिप्स, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया। और एक चीज और दोस्तों, ये पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिबन। इट मीन्स कि इस पूरे एरिया को,
ये सारे के सारे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये पूरे एरिया को क्या कहा गया है, रिबन कहा गया है। ठीक है, ये पूरे एरिया को क्या कहा गया है, रिबन कहा गया है। तो ये थी दोस्तों हमारे एक्सेल की कुछ बेसिक टिप्स। जो वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच दोस्तों।